हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि आपके मोबाइल के कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकोगे तो यहाँ हमारा कीबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, तो किस तरीके से चेंज करोगे उसके बारे में हम बताने वाले। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल को ओपन कर लेना है। तो मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही गूगल को ओपन करोगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से नीचे अपना कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग का, तो जस्ट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो मैं सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आपको एक फर्स्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेकंड में भी हो सकता है, तो आपको ढूंढ लेना है लैंग्वेज का। तो ये वाला आपको ऑप्शन जहाँ भी हो ढूंढ लेना है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यह इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। तो यह आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड कीबोर्ड का, तो ऐड कीबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए उस लैंग्वेज पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको देखोगे तो हमने हिंदी कीबोर्ड सिलेक्ट किया है। तो यहाँ देखोगे तो यह हमारा हिंदी का कीबोर्ड, इंग्लिश का कीबोर्ड है, पर यह आप हिंदी इंग्लिश में लिखोगे तो हिंदी ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगी। और सिर्फ आपको हिंदी लिखना आता है तो सीधे सीधे हिंदी लिख सकोगे, आपको जो भी लैंग्वेज। तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं, जो भी कीबोर्ड आपको पसंद आए उस तरीके से लिखना, जिस तरह से पसंद हो उस तरीके से कीबोर्ड आपको पसंद कर लेना। उसके बाद यह डन का ऑप्शन होगा, तो डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह आपको कुछ भी नहीं, यह आपको बैक लेने का एरो का ऑप्शन होगा, तो यहाँ से बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद यह आपको वो लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ आपके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेज, जो खाली जगह छोड़ने का ऑप्शन होता है। जैसे कि यहाँ लिखोगे उसके बाद प्रेस करोगे तो इस तरह से बैग थोड़ा सा स्कॉप हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं, उस जगह पर आपको प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखोगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यह आपको जो भी लैंग्वेज आपने ऐड की होगी तो यह आ जाएगी। तो आपको उस लैंग्वेज पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। तो हमने क्लिक कर लिया, उसके बाद ये मैं आपको मेरा चैनल का नाम लिख कर दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे तो यह हमारा हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ चुका है। तो मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो अपने मोबाइल की, तो इसी तरीके से कर सकते हो। तो आई होप गाइस हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।